अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम जो है वो मोल एवोगैड्रो नंबर के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, जैसे कि नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नॉन मास ओवर सब्सटेंस और मोलर मास ओवर सब्सटेंस ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो नंबर ऑफ मोल किसी भी आइटम के मिल जाते हैं। इसी तरह जब मास निकालना है तो मास ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास करते हैं तो उस सब्सटेंस का मास आ जाता है। तो इस केमिकल कैलकुलेशन में यहाँ पे भी हम देखेंगे इन केमिकल कैलकुलेशन में भी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस और वाइस वर्सा। नंबर ऑफ मोल भी हम जो है वो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं, हमारे पास फार्मूले मौजूद हैं। जैसे कि नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम नॉन मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ से हम देखें एक हमें सब्सटेंस का मास दिया गया है उसके हम नंबर ऑफ मोल भी और नंबर ऑफ आगे पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल है नंबर ऑफ मोल की, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब है कि उसके अंदर एवोगैड्रो के नंबर कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के उसको नॉन मास ओवर सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। उन नंबर ऑफ मोल से जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे कि आपने जहाँ पर भी पढ़ा था कि जो कभी किसी उनके नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो उसका एवोगैड्रो नंबर के बराबर एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो कार्बन का एक मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, तो जितने कार्बन के मोल निकलेंगे उसको एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास उतने नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कार्बन एटम आ जाएंगे। इस तरह मोल मास कैलकुलेशन है तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे और नंबर ऑफ मास निकालना है किसी सब्सटेंस का, तो वो भी ये जो फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है ये यहाँ पे वही रिपीट हुआ है, ये वाला मोल मास कैलकुलेशन है और ये भी मोल मास कैलकुलेशन में आ जाएगी, वो सेम चीज़ है। ये फार्मूले आपके समझने की बातें हैं कि किस तरह से एक सब्सटेंस के मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। जैसे ये देखें जहाँ पर आपको कहा गया नंबर ऑफ मोल निकालने कार्बन के, तो क्या करना है, नॉन मास हमारे पास 9 ग्राम है, कार्बन का मोलर मास 12 होता है तो 9/12 करेंगे 0.75 नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अगर इसी कार्बन के हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो 0.75 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। जैसे कि देखिए डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है नंबर ऑफ मोल ओ निकालें। ठीक है, ये वही चीज़ जो आपको पीछे बताई गई है, यहाँ पर वही रिपीट करना है बार बार। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ मोल निकालने गिवन मास बटा मोल एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो है निकालने हैं एवोगैड्रो से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर काटने के, तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो मिल जाएंगे, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी फार्मूला यूनिट के। ये जो है वो समरी ऑफ मोल कैलकुलेशन है, ये आपको बताई गई। नंबर ऑफ मोल निकालने, नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो होते हैं। इस तरह मास ऑफ सब्सटेंस मोलर मास मोल इंटू मोलर मास करेंगे तो मोल आ जाएंगे, नॉन मास बटा मोलर मास करेंगे तो मोल आ जाएंगे, मोल में से मोल और मोलर मास करेंगे तो मास ऑफ सब्सटेंस निकल आएगा, और मास ऑफ सब्सटेंस में नॉन मास बटा मोलर मास करेंगे तो मोल आएंगे। ये आपने अपनी कॉपी में बनाना है और एग्जाम्पल 1.6 है, ये देखो आपको दी हुई है। नॉन मास ऑफ वाटर है 6 ग्राम है, मोलर मास इसका 18 ग्राम होता है। तो इसके उसने कहा कि नंबर ऑफ मालिक्यूल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालें, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालें, 6/18 करेंगे 0.33 मोल आ जाएंगे। उन 0.33 को आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास आ जाएंगे। और नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, क्योंकि 3 एटम पाए जा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का एटम पाया जा रहा है उसमें। एज वी नो 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 3 एटम, 3 एटम पाए जा रहे हैं, तो इस जो नंबर ऑफ पार्टिकल निकले हैं उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये तो आपके पास नंबर ऑफ एटम भी आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम। हालांकि एटम 3 पाए जा रहे हैं लेकिन एटम का जो मास है वो कितना पाया जा रहा है, तो 3 एटम का मास है वो 5.94 × 10^23 पाया जा रहा है। अगर इसमें भी ये सिर्फ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसने पूछ लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना, 9 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 3.01 उसका 9 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और एवोगैड्रो नंबर कितना डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएंगे। मोल को फिर आप उसके मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका जो है वो मास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि यूज़ हो रहा है इसके अंदर। ठीक है जी, एक्टिविटी 1.7 आपने पूरी करनी है, तो टेस्ट योर सेल 1.7 आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, और ये फार्मूले आपने याद करने हैं, ये जो है वो अपनी कॉपी पे बनाना है और ये टेस्ट योर सेल जो है वो अपनी कॉपी पे लिखनी है, सॉल्व करनी है इसको। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।